हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ट्वेल्थ, टुडे वी शैल रीड पोएम सेकंड ऑफ फ्लेमिंगो एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास ट्वेल्थ एंड द पोएम नेम इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम। एलिमेंट्री मीन्स प्राइमरी, प्राइमरी स्कूल अप टू क्लास फाइव ऑफ इन इस्लाम एरिया। स्लम यानी झुग्गी झोपड़ी वाले जो एरिया होते हैं, स्लम एरियाज होते हैं, तो उस उन स्कूलों के विषय में किसी स्कूल की बात की गई है। और ये कविता लिखी किसने, स्टेफन स्पेंडर ने। और जो कविता इस पोएम के अंदर सारा जो वर्णन किया गया है वो एलिमेंट्री से जो स्कूल का वर्णन है, और एक स्लम एरियाज में यानी झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में जो स्कूल होते हैं उन छोटे स्कूलों के भविष्य में यहाँ पे बताया गया है। पोएम शुरू करने से पहले जो पोएट है दो क्वेश्चन हमें हमसे पूछता है। व्हाट आर दीज थ्री क्वेश्चन? फर्स्ट वन इज, हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम? क्या आपने स्लम एरिया में कोई प्राइमरी स्कूल यानी अप टू क्लास फाइव का कोई स्कूल देखा है जो किसी गरीब इलाके में या फिर किसी स्लम एरिया में है? फार फार फ्रॉम। और दूसरा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, व्हाट डज इट लुक लाइक? ये स्कूल आपको कैसा दिखता है, यानी जो झुग्गी झोपड़ियाँ में जो उस प्रकार के जो एरियाज होते हैं, थोड़े से अनडेवलप्ड एरियाज होते हैं, वहाँ पे अगर आप जाएँ तो इस प्रकार के जो स्कूल हैं गरीबों के, जो अप टू क्लास फाइव के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ पे गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो स्कूल कैसा दिखता है? फार फार फ्रॉम ग्रेविटी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, दूर दूर काफ़ी दूर से जो धुंधली आती हुई जो लहरें हैं उनमें से इन बच्चों के चेहरे लाइक रूटलेस वीड्स ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि बिना जड़ के खरपतवार यानी अनवांटेड प्लांट्स। कुछ द हायर टोन अराउंड देयर पैलर हेयर एन के जो बाल हैं वो चारों तरफ उनके कान के किनारे किनारे इधर बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेक डाउन हेड, लंबी लड़की अपने भारी सिर के साथ, भारी सिर उसकी बीमारी को शो करता है। तो एक लंबी लड़की है जिसका सिर काफ़ी भारी है यानी वो बीमारी से ग्रसित है। अनलकी द पेपर स्विमिंग बॉय, कागज़ की तरह दिखते हुए लड़के, कागज़ की तरह दिखता हुआ लड़का यानी काफ़ी पतला लड़का, वो भी बीमारी से ग्रसित है। विद रेड्स आइज, जिसकी चूहे की आँखें हैं यानी चूहे जैसी आँखें हैं। इन द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, वो लड़का वो एक अनलकी यानी दुर्भाग्यशाली हायर है, हायर यानी उत्तराधिकारी है। अपने माँ बाप का जो बेटा है जैसे कि राजा के बाद उसका बेटा उत्तराधिकारी बनता है, इस प्रकार से है। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, जिसकी जो हड्डियाँ हैं वो मुड़ी तोड़ी हैं यानी बीमारी से जो ग्रसित होते हैं बच्चे उनमें जो हड्डियाँ उनका वो मुड़ी तोड़ी रहती हैं या फिर कमज़ोर होती हैं। रिसाइटिंग ए फादर्स ग्रैंड डिजीज़, जो ये शो करता है कि एक पिता की ली हुई बीमारी बच्चे के अंदर आई यानी पिता के द्वारा दी गई बीमारी बच्चे में आई है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, उसका जो पाठ जो पढ़ रहा है उस चैप्टर जो भी पाठ वो पढ़ रहा है स्कूल के अंदर बैठ करके, जो उसके डेस्क से वो सीख रहा है, एट बैक ऑफ द डिम क्लास, एक ऐसी क्लास में बैठ गई जहाँ पर रोशनी काफ़ी कम है और वो पीछे बैठा हुआ है। वन अननोटेड, एक ऐसा बच्चा जिसको नोट नहीं किया गया, जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। स्वीट एंड यंग, जो काफ़ी मीठा है और यंग है, यंग यानी छोटा बच्चा है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखें एक स्वप्न में जीती हैं यानी वो स्वप्न देखता है। किस बात के स्वप्न देखता है? अच्छे स्वास्थ्य के और एक सुखी जीवन के जहाँ पर वो आज़ाद रहे, खेल कूद सके और जीवन का आनंद ले सके। ऑफ स्क्वेरल्स गेम, यानी जो स्वप्न देखा उसने वो गिलहरी के खेल का देखा एक प्रकार से, क्योंकि गिलहरी स्वस्थ है और खेल कूद कर रही है। कहाँ पर? इन ट्री रूम अदर देन दिस, इस कमरे से दूसरे कमरे में जिसमें पेड़ है। वन सोर क्रीम ऑन सोर क्रीम वॉल्स, और वहाँ सोर कलर का क्रीम या क्रीम कलर की जो दीवार है जिसपे यानी जो कलर है वो फीका पड़ गया है। डोनेशंस, डोनेशन के पैसे से यानी चंदे के पैसे से ये की दीवार बनाई गई है, इसको रचा गया है, स्कूल को बनाया गया है। शेक्सपियर सेंट, वहाँ पे शेक्सपियर का जो सिर है वो बनाया गया है यानी चेहरा बनाया गया है। क्लाउडलेस एट डाउन, सवेरे के समय में जब पोप फटती है तो सवेरे का जो वक्त होता है उस टाइम में जो क्लाउडलेस बिना बादल का जो आसमान होता है वो चित्र भी वहाँ पर बनाया गया है। ये सब दीवार पर बनाए गए हैं। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग और सिटीज़, और जो सभ्य डोम हैं वो क्या कर रहे हैं, शहर के चारों तरफ घुड़सवारी कर रहे हैं, घोड़े पर घूम रहे हैं। बेल्ट, वहाँ पर घंटियाँ बनाई गई हैं। फ्लावरी फूल, फूलों वाले ट्रॉसल वैली यानी ट्रॉसल जो घाटी है वो भी बनाई गई है। ओपन हैंडेड मैप, एक खुला मानचित्र बनाया गया है दीवार पर। अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो संसार के लोगों को संसार दिखाता है यानी संसार का जो मैप बना हुआ है वो पूरे संसार का ज्ञान देता है। किसको ज्ञान देता है? संसार के ही लोगों को।
तो इस प्रकार की जो अंडरलाइन की गई ये बातें हैं, ये बातें अक्सर करके परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो आप इस पर खास ध्यान देंगे। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, और फिर भी इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज, ये खिड़कियाँ, नोट दिस मैप, ये मैप नहीं, ये खिड़कियाँ, देयर वर्ल्ड, ये उनका संसार है। कहने का मतलब ये कि बेशक वहाँ मानचित्र संसार का बनाया गया है, लेकिन बच्चे उस संसार के मानचित्र को देख करके विश्व के बारे में कुछ नहीं जानते, और वो संसार उनका संसार नहीं है, बल्कि जो जिस खिड़की में बच्चा बैठा हुआ है, जिस खिड़की के पास बैठा हुआ क्लास में, वो खिड़की से बाहर देखता है, वही उसका खिड़की ही उसका संसार है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, जहाँ पे उनका सारा जो भविष्य है उसे फॉग यानी धुंध से पेंट कर दिया गया है, यानी उनका सारा भविष्य धुंधला है। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लेड स्काई, एक पतली सी गली जिसे बंद कर दिया गया है शीशे के आसमान से, यानी एक गली में ही के अंदर ही उस बच्चे का जीवन निहित होकर के रह गया है, उससे बाहर वो नहीं जा पाया, उस संसार नहीं देख पाया। फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, बहुत दूर वो रह गया है नदियों से और घाटियों से और शब्दों के उस सितारों से, यानी उसे ना पढ़ने का अवसर मिला है और ना ही कहीं घूमने और बाहर जाके संसार को देखने का अवसर मिला है। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, पक्के तौर पे शेक्सपियर वो क्या है, धूर्त है, धूर्त यानी कमीना, इस प्रकार से बोला गया है। शेक्सपियर को इस कविता में क्यों बोला गया है, क्योंकि उनके जो अनुयायी हैं यानी उनके जो फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने उनका चेहरा वहाँ पर बनाया, दीवार के ऊपर चित्र को अंकित किया, वो उन पैसों से किया जो उन्हें डोनेशन या चंदे में मिले थे इन बच्चों के कल्याण के लिए, और वो बच्चों के कल्याण को ना उसको पूरा करके उन्होंने चित्र बना दिया। द मैप बैड एग्जाम्पल, यहाँ पे मैप एक बुरा एग्जाम्पल है, क्योंकि मैप के अंदर ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाया गया जहाँ पर इन बच्चों के रहने का स्थान दिखाया गया हो, बाकी बाकी पूरी दुनिया इसमें शो कर दी गई है, मैप के अंदर पूरे जगत को दिखाया गया, हर स्थान को बताया गया है, लेकिन वो स्थान नहीं दिखाया गया जहाँ पर इन बच्चों का निवास स्थान है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग टू स्टील, और ऐसे चित्र जो दीवार पर बनाए गए हैं जिसमें पानी के जहाज हैं और सूरज को उगता हुआ दिखाया गया है, और लव टेम्पटिंग देम टू स्टील मतलब इतना प्यार आ जाए उस चित्र को देखिए कि उसे चुरा लेने का मन करे, इतने लुभावने चित्र वहाँ पर दीवार पर बनाए गए हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लीली टर्न इन देयर कैम्प्टेड होल्स, क्योंकि उन जो बच्चों का जीवन है सीधे सीधे एक प्रकार से कमीनेपन से बताया गया है कि वो क्रैम्प्टेड होल यानी सीधे सीधे जाकर के एक छेद यानी होल में जाकर के वहाँ जीवन खत्म हो जाता है, यानी यहाँ पे बिल होता है, जैसे सांप अपने बिल में चला जाता है, इसी प्रकार से वो बच्चे सिर्फ अपने घर में चले जाते हैं, जो उनके घर झुग्गी झोपड़े में वहाँ पे जाके रहते हैं, वही उनका संसार है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस राइट नाइट, धुंध से लेकर के ना खत्म होने वाली रात तक उनका जीवन चलता है। ऑन देयर स्लैग हीप्स, अपने कूड़े के ढेर पर, दी चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, अच्छा इन कूड़े के ढेरों पर ये जो बच्चे हैं वे चमड़ियाँ पहनते हैं, पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, हड्डियों में से झांकते हैं, कहने का मतलब ये उनकी बीमारी की दशा को दिखाता है, जो बच्चे काफ़ी कमजोर हैं। एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील्स, और वो चश्मे पहनते हैं किसके, स्टील के, यानी उनकी आंखें भी काफ़ी जड़ हो गई हैं, और विद मेंडेड ग्लास जिसमें शीशा जड़ा गया है, लाइक बोटल बिट्स ऑफ स्टोन्स, उनका शरीर ऐसे हो गया जैसे कि एक बोतल के अंदर आप पत्थर के टुकड़े भर दें, यानी बिल्कुल कड़ा शरीर हो गया उनका। ऑल देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका सारा समय और सारा वक्त ये धुंध भरी स्लम है, स्लम यानी वही झुग्गी झोपड़ी है, वही एरिया है। सो बोल्ड देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, तो जितने बड़ा यहाँ पे डूम गुंबद बनाया गया है चित्र में, उतना ही बड़ा इस मैप को बनाया जाए, मैप के अंदर ये स्थान दिखाए जाएँ, जैसे मैप में पूरे संसार के अलग अलग देशों का हर स्थान का स्थान को दिखाया गया है, उसी प्रकार से इस मैप को भी गुंबद जितना बड़ा बड़ा वो स्थान बना करके दिखाएं जहाँ पे बच्चे रहते हैं, यानी स्लम एरिया को। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, यहाँ पे कवि ने तीन लोगों के नाम लिए हैं, गवर्नर इंस्पेक्टर और विजिटर के, विजिटर यानी आगंतुक जो यात्री होता है वो, जब तक ये तीन लोग, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, जब तक कि ऐसा ना हो कि ये जो मैप है इनका, इनकी खिड़कियां ना बन जाए, यानी बच्चे इस मैप के बारे में ना जानने लग जाएं, और जो ये खिड़कियां हैं ये उनके ऊपर बंद हो जाएं, एक कैटाकॉम होता है कब्र में जाने का रास्ता, तो इस प्रकार से ये खिड़कियां ना बंद हो जाएं, बच्चे इसी कब्र में बंद होकर के ना रह जाएं।
तो कभी अब तीन तीन लोगों से गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर से कहता है, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। तो कहता है कि आप तोड़ दीजिए इनकी जो खिड़कियां हैं, इन्हें तोड़ दीजिए, इन्हें बाहर निकालिए, और जब तक कि ऐसा ना हो कि ये पूरे कस्बे को तोड़ दें। कहने का मतलब ऐसा ना हो कि पूरे कस्बे में ही ऐसा हो जाए, पूरे शहर में भी ऐसा ना हो जाए कि इस प्रकार की दशा बने। एंड शो द चिल्ड्रन, और इन बच्चों को दिखाइए क्या, टू ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज और ऑन गोल्ड स्टैंड, उनका संसार बना दीजिए सुनहरे रेत पर जो दौड़े, एंड लेट देयर टंग्स, और इनकी जीवों को दौड़ने दीजिए, रन नेक्ड इन टू बुक्स, किताबों के ऊपर, यानी इन्हें पढ़ना सिखाइए। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और फिर इसके बाद क्या होगा, हरे और जो सफ़ेद पत्तियां हैं वो खुलेंगी, यानी संसार हरा भरा होगा। हिस्ट्री देयर्स हूज लैंग्वेज इज द सन, और इतिहास उनका है जिनका जिनकी भाषा सूर्य है। कहने का मतलब जिन लोगों ने चमकना सीखा है, आगे बढ़ना सीखा है, ऊपर उठना सीखा है, उनको ही उनका ही इतिहास बनता है, यानी वही लोग इतिहास रचते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी पोएम यहाँ कंप्लीट होगी, और इसके बाद हम अगली पोएम भी पढ़ेंगे। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।